अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपनी आगामी फिल्म थलाइवी देखने के बाद अपने माता पिता की प्रतिक्रिया साझा की। इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने माता पिता की एक तस्वीर साझा की। अभिनेत्री ने लिखा, मम्मी पापा ने थलाइवी फिल्म देखने के बाद कहा वे 5वें राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए बधाई। कंगना ने गुरुवार सुबह तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री और पूर्व अभिनेत्री जय जयललिता के जीवन पर आधारित बायोपिक फिल्म की एक तस्वीर साझा की, जो हिंदी, तमिल, तेलुगु में रिलीज होगी। तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, 2 साल पहले मैंने स्क्रीन पर भारत की सबसे प्रतिष्ठित महिलाओं में से एक की भूमिका निभाने के लिए एक यात्रा शुरू की थी। हमारे रास्ते में कई बाधाएं और चुनौतियां थी, लेकिन मुझे और मेरी टीम ने जो किया वह था जुनून, जया, अम्मा और सिनेमा का। इस शुक्रवार हमारी फिल्म आखिरकार अपने दर्शकों तक पहुंच जाएगी। इसे अपने नजदीकी थिएटर में मौका दें। मैं पहले से ही फिल्म के लिए शानदार समीक्षाओं से अभिभूत हूं और फिल्म देखने के लिए जनता का और इंतजार नहीं कर सकती। फिल्म में जय जयललिता के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दिखाया गया है, जिसमें एक छोटी उम्र में एक अभिनेत्री के रूप में तमिल सिनेमा का चेहरा बनने के साथ साथ राज्य की रणनीति के पाठ्यक्रम को बदलने वाले क्रांतिकारी नेता के उदय के बारे में बताया गया है। यह 10 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है। विजय द्वारा निर्देशित थलाइवी विब्री मोशन पिक्चर्स कर्मा एंटरटेनमेंट और जी स्टूडियो द्वारा गॉथिक एंटरटेनमेंट और प्रिंट फिल्मों के सहयोग से प्रस्तुत की गई है, जिसका निर्माण विष्णु वर्धन इंदुरी और शैलेश ने किया है। फिल्म में अरविंद स्वामी, प्रकाश राज, मधु और भाग्यश्री भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। थलाइवी के अलावा कंगना आगामी फिल्म टीकू वेट्स, शेरू, एक प्रेम कहानी और एक व्यंग के साथ निर्माता के रूप में अपना डिजिटल डेब्यू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंगना की अन्य अभिनय परियोजनाओं में तेजस और धाकड़ शामिल है। तेजस का निर्देशन सर्वेश मेवाड़ ने किया है, जबकि धाकड़ का निर्देशन रजनीश रजी घई ने किया है। फिल्म में अर्जुन रामपाल और दिव्या दत्ता भी अहम भूमिकाओं में हैं। INS रिपोर्ट।